तेज रफ्तार ने ली एक जिंदगी। तेज रफ्तार बैगनार कार ने बाइक सवार दोस्तों को मारी टक्कर। दर्दनाक हादसे में एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। सड़क हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। सड़क हादसे में दम तोड़ चुके बाइक सवार के शव को पुलिस ने पंचनामा भर पोस्टमार्टम को भेजा। सहावर थाना क्षेत्र के सोरो रोड स्थित याकूबगंज पर हुआ हादसा। गंज डुडबारा कोतवाली क्षेत्र के गांव समसपुर के रहने वाले हैं मृतक व घायल। हादसे की सूचना के बाद मृतक की साली की हृदयघात से मौत। हादसों के बाद दोनों परिवारों में मचा कोहराम। सड़क हादसे में घायल दूसरे व्यक्ति को गंभीर हालत में अलीगढ़ किया गया रेफर। ग्राम समसपुर के दो लोग शाहिद खान और खालिद खान किसी काम से सोरो गए हुए थे। जब वो वापस आ रहे थे तो याकूतगंज के पास एक अनियंत्रित वैगनार जो दूसरी दिशा से आ रही थी उसने इनको टक्कर मार दी, जिससे शाहिद खान की तो मौत वहीं पर हो गई और खालिद साहब को रेफ़र कर दिया गया कासगंज। कासगंज के बाद गंभीर अवस्था में उनको अलीगढ़ रेफ़र किया गया है। जो दूसरी मौत हुई है मोहित खान की, वो इनके रिश्तेदार थे। जैसे ही उन्होंने खबर सुनी तो उनको सीने में दर्द हुआ और आगरा ले जाते वक्त उनकी भी मौत हो गई। तो समसपुर में दो मौतें हुई हैं, एक मोहित खान की हुई है और एक शाहिद खान की हुई है, और जो तीसरे हैं खालिद खान वो अलीगढ़ रेफर हैं, उनका वहाँ पर इलाज चल रहा है। ये बहुत ही दुखद है। मैं जिला प्रशासन से आग्रह करूँगा कि सोरों से लेकर और अलीगंज तक का ये जो रोड बना है इस पर अनियंत्रित जो है वाहन चलते हैं, इनको रोका जाए, या तो स्पीड ब्रेकर बनाए जाएँ या पुलिस की पिकेट जो है वो जगह जगह लगाई जाए, जिससे कि इस तरह की जो है वो घटनाएँ रुक सकें। डेली हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े एक्सीडेंट हो रहे हैं, मौतें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा मौतें इस रोड पर हो रही हैं। तो मैं जिला प्रशासन से कहूँगा कि इसके लिए कुछ प्रभावी कदम उठाएँ। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।